दोस्तों, हमारे YouTube IGS इंजीनियर चैलेंज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि MS ऑफिस में जो वर्ड हमारा होता है उसमें काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि हम उसमें कोई भी पेज एक्स्ट्रा अगर हो जाए तो कैसे डिलीट करेंगे। तो ठीक है, मैं आज आपको एकदम ईजी तरीके से बताता हूँ। जैसे वर्ड मैंने ऑन कर लिया, ठीक है, ये हमारा वर्ड 2016 है, यह जो ऑन हो रहा है। मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ टाइप कर लिया, ठीक है, ये टाइप कर लिया, ठीक है, जैसे ये हमारा पेज है, ठीक है। अभी हमारा दूसरे पेज पे आ गया है, ये देखिए, ठीक है, ये जैसे हमारा, देखिए ये यहाँ पे तीन पेज हो गया। मान लीजिए इसको हमें इस पेज को डिलीट करना है, ठीक है, तो इस पेज को डिलीट करने के लिए सिंपली आप कुछ नहीं करिए, इस पेज को सिलेक्ट कीजिए एंड बैक स्पेस कीजिए एंड देन देखिए डिलीट हो गया हमारा पेज, ठीक है। और जो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, Ctrl+G, ठीक है। अभी देख लीजिए हमारे पास दो पेज है, ये मेरे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इसमें क्या करेंगे, कहेंगे स्लैश करो और पेज पे क्लिक करो, ठीक है, पेज पे मैंने गो टू कर दिया। जैसे मान लीजिए देखिए सेकंड पेज हमारा सेलेक्ट हो गया, अब इसमें भी कुछ नहीं कहेंगे, क्लोज करो और बैक स्पेस दबा दो, ठीक है। बैक स्पेस दबाने के बाद क्या होता है, वो पेज भी सिलेक्ट ही होता है जो हमारा टेक्स्ट होता है। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है डिलीट करने का, अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जिस पेज को आपको डिलीट करना है उसका सारा टेक्स्ट आप एक साथ सेलेक्ट कीजिए और बैक स्पेस दबा दीजिए, सो वो पेज डिलीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका कोई तरीका नहीं है। और कुछ लोग एक तरीका और बता देते हैं, जैसे ये व्यू पे जाएंगे, नेविगेशन प्लेन पे जाएंगे, पेज पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए जैसे हमारे सेकंड है, ठीक है, सेकंड हमारा आ गया, इसमें कहेंगे कुछ नहीं, यहाँ भी आप बैक स्पेस ही दबाइए, ठीक है, बैक स्पेस दबाने के बाद तो वो तो डिलीट हो ही जाएगा, उसमें क्या है, ये देखिए डिलीट हो गया। जैसे कहने का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई भी पेज आपके पास हो उसमें सिर्फ बिना टेक्स्ट ऑल सेलेक्ट किए वर्ड पैड में कोई भी पेज डिलीट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं घुमाता नहीं हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। सर, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिए, धन्यवाद।